कि मेरा बाइक का हालत बर्बाद हो चुका है। बिजली चली गई, इंजन चालू नहीं हो रहा है। हेलो नमस्कार, दिस इज एडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज फिर से मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेके आया हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। आप पता है, बहुत ब्लॉग में बोल चुका हूँ कि मैं बिजी हूँ। एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ, उसके बीच बीच में ब्लॉग लाता हूँ। तो जॉब करते हुए ऑफिस में ब्लॉगिंग करना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि ऑफिस के अंदर ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हम लोग, वो भी सरकारी ऑफिस में। हाँ, सरकारी नौकरी है पर परमानेंट नहीं है मेरा जॉब, छोटा मोटा सा जॉब है जो मेरा खर्चा निकल जाता है। तो आते हैं मुद्दे में। तो बात यह है कि मेरा बाइक का हालत बर्बाद हो चुका है। मेरा बाइक पूरा का पूरा गंदा हो चुका है। बहुत दिनों से बाइक सर्विस नहीं किया है मैंने, और उसके साथ बाइक का चेन में थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। मतलब चलाते बीच बीच में ब्रेक मारने से थोड़ा चेन में साउंड आता है। स्पोकेट चेंज किया था, उसके बाद प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि पीछे का स्पोकेट मैंने चेंज नहीं किया। उन लोगों ने बोला था कि कुछ दिन बाद चेंज करने के लिए। तो अभी हुआ ये कि वो साउंड मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हफ्ते 10 दिन से हो रहा है। तो वो साउंड को मैं भगाना चाहता हूँ बाइक में से, और बाइक को अच्छे से वॉश करना चाहता हूँ, मतलब यानी कि सर्विस करना चाहता हूँ। तो अभी आज के इस ब्लॉग में मेरे KTM को यानी कि ड्यूक को अभी नहलाएंगे। नहलाने से पहले जाएंगे और उसको वो चेन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो बन रही है ब्लॉग में और देखते रहिए मुझे और मेरे बाइक यानी कि इस ब्लॉग को, और सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलते हैं सीधे बाइक के पास। तो ये रहा मेरा KTM, जिसमें ये रहा मेरा नाम लिखा हुआ है। एक्चुअली ये वाला नाम पुराना है क्योंकि मैंने नाम चेंज कर दिया अपने चैनल का। अभी अभिजीत देव ने एडी ब्लॉग हो चुका है, तो इग्नोर दिस, आई विल चेंज वेरी सून दिस नेम। तो ये रहा मेरा बाइक जो कि आपको बताया था कि बहुत गंदा हो चुका है। तो ये रहा, देखिए इसका रूप कितना गंदा हो चुका है। ये पूरा का पूरा कीचड़ से गंदा है। ये आगे पीछे सभी तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। मुझे आज ड्यूक को नहलाना है। और ये रहा मेरा बोया का जो मैंने लगाया था। एक्चुअली मैं जो माइक यूज़ करता हूँ, अभी जो यूज़ कर रहा हूँ जिसके द्वारा आप मेरा साउंड को, वॉइस को सुन रहे, इस कंपनी का स्टिकर है, दो दिया था बॉक्स के अंदर। तो मैंने सोचा कि इस कलर भी अच्छा है, वाइट के साथ कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है, और बोया नाम भी अच्छा है, मतलब कूल लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। और दूसरा वाला वेस्ट हो रहा था, सोचा कि यहाँ पर एक स्क्रैच था, मतलब स्टिकर था, उसको ढकने के लिए मैं इसको लगा दिया। और अभी यह देख सकते कि पता नहीं कैसे यहाँ थोड़ा टूट फूट गया स्टिकर, यहाँ पे थोड़ा टूट फूट गया। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस कलर के साथ, वाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये रहा वो स्प्रे जो मैं यूज़ करता हूँ अपने चेन को वॉश करने के लिए। तो अभी इसको इस चेन में अप्लाई करेंगे, उसके बाद थोड़ा टाइम रखेंगे, उसके बाद जाएंगे बाइक को नहलाने के लिए। तो अभी चेन को वॉश करते हैं।
तो अभी चेन में स्प्रे कर दिया, थोड़ी देर बाद लेके जाएंगे भाई को। तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और जाना कहीं नहीं, इधर ही रहने का, यानी कि इस ब्लॉग को पूरा देखने का और शेयर करने का दोस्तों के साथ। कीप वॉचिंग, कीप योर आइज ऑन दिस वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने बाइक पे आ चुका हूँ, मतलब गेट के बाहर। तो अभी हम जाएंगे सर्विस के वहाँ पे, वहाँ के जाने के बाद गाड़ी को अच्छे से, बाइक को सर्विस करेंगे। उससे पहले चेन को रिपेयर करेंगे, जो मैंने स्प्रे किया था उसको बताएंगे कि ऐसा ऐसा होता है, साउंड वगैरह आता है, वो देखेगा चलाएगा जो करता है, आप लोग देखेंगे मेरे साथ। तो चलिए सीधे बाइक रिपेयरिंग सेंटर, तो चलिए अभी के अभी नाउ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं सीधा बाइक रिपेयरिंग के शॉप में आ चुका हूँ। ऑपोजिट के रोड जो है वो नेशनल हाईवे है, जिसके पास ही नंदा वाटर सर्विसिंग लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ही पीछे से है, वहाँ पे जाके मैं सर्विसिंग करूँगा। और ये रहा वो शॉप जहाँ पे मैं ठीक कराने के लिए आया हूँ, जो चेन का प्रॉब्लम था। तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो अभी वो मेरे बाइक को लेकर जा रहे हैं रोड पे, एक राइड लेने के लिए, जो पता चला जाए कि प्रॉब्लम क्या है। वो अभी जाएगा बाइक लेने के लिए, अभी गया। और ये देखिए कैसा चेन लूज़ हो चुका है मेरा, वो बोल रहे हैं कि चेन बहुत लूज़ है, इसलिए शायद साउंड हो रहा है ब्रेक दबाते हुए, स्पीड भी नहीं आ रहा है। तो अभी वो चेन को टाइट करने के लिए वो अपने काम पे लगे हुए, ये वाले में कुछ एक डाल दिया, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, उसके बाद उस तरफ की जगह कुछ कर रहे। तो ऐसे चेन टाइट किया जा रहा है मेरे बाइक का, ये देख सकते इस तरफ टाइट, उस तरफ, दोनों तरफ से टाइट टाइट करके टाइट दिया जाता है चेन को। ये जो स्क्रू वो ढीला कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, उसको ढीला करने से ये व्हील थोड़ा पीछे आएगा, जैसे कि व्हील पीछे आने से ही चेन हमारा टाइट होता है। और ये बाईपास के पास है ये उनका सर्विस सेंटर, यहाँ पे आइए, उसके बाद आपका भी कम प्राइस में आपका भी काम कर देंगे, बाइक किसी भी बाइक को आप वो काम कर सकते हैं। तो आइए इधर, ज़रूर आना। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी बाइक सर्विस के लिए बैठा हुआ हूँ, इधर मेरा बाइक रखा हुआ है, बिजली चली गई, बिजली का वेट कर रहे हैं, बिजली चला गया, इसे इंजन चालू नहीं हो रहा है, केरोसिन वाला है उसको चालू कर नहीं रहे, केरोसिन का ज़्यादा यूज होता रहता है और बिजली आ जा रहा है, आ जा रहा है, तो इसको चालू करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी हम लोग बिजली का वेट कर रहे हैं, उधर आधा नहा के बैठी हुई है मेरा ड्यूक, आधा नहा के बैठा हुआ है, तो उसको अब थोड़ा सा और क्लीन करेंगे, उसके बाद शैम्पू वगैरह से धोएंगे, उसके बाद फुल्ली रिपेयर हो जाएगा मेरा टीमोन, यानी कि ड्यूक, KTM ड्यूक जो मेरा बाइक है। तो बने रहिए इस वीडियो में, देखते रहिए ब्लॉग को। ड्यूक जहाँ पे मैं वॉश कर रहा हूँ अपने बाइक को, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फोम का मशीन रखा हुआ है सामने, आप फोम से भी बाइक वॉश कर सकते हैं। बिजली से चलता हुआ मशीन भी रखा हुआ है, मोटर रखा हुआ है, और एक वैक्यूम क्लीनर भी रखा हुआ है, आप अपने कार के अंदर का सब कुछ क्लीन कर सकते हैं। और एक कलर करने के लिए भी मशीन रखा हुआ है, जो अपने बाइक का या कार का कुछ कलर वगैरह चला गया तो आप यहाँ से आके, यहाँ पर आके कलर करवा सकते हैं। और सामने रखा हुआ है एक केरोसिन का मशीन, जो मोटर जो करेसन से चलता है, और यहाँ पे आ सकते हैं आप, आके किसी भी फैसिलिटी को आप अपना सकते हैं। मतलब ये फॉर्म तो बेहतरीन है भाई, फॉर्म यूज़ करना तो इधर ही आ जाइए। बाइक धोखे में अभी आ चुका हूँ, तो यू कैन सी कि मेरा बाइक पूरा फ्रेश हो चुका है। तो ये देख सकते हैं कि मेरा बाइक पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है, जहाँ पे बहुत सारा मैल छुपा हुआ था, ये देख सकते हैं पूरा क्लीन हो चुका है, अभी आते वक्त थोड़ा चीरा भी लगा हुआ था। अभी इधर इसको, मेरे बाइक को इधर रहने देते हैं छाव में। तो फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ, मतलब गाड़ी वाड़ी का काम हो गया, चेन को थोड़ा टाइट वाइट कर दिया उसने, उसके बाद धोना वाना होगा, सब कुछ आप लोगों ने देखा है ब्लॉग के अंदर। और अभी बाइक बाहर है जैसे कि आप लोगों ने देखा, और मैंने अभी नहा के खाना वाना खा के अभी सीधे अपने रूम पे आ चुका हूँ। आप देख सकते कि मैं अपने रूम पे हूँ,
तो अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे, मतलब थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे तो फाइनली सारा दिन का धूप धूप झेलने के बाद अभी थोड़ा सा बारिश हो रहा है, हवा चल रहा है, मतलब थोड़ा ठंडक पड़ रहा है इधर, तो अभी मज़ा आ रहा है। तो बहुत गर्मी था दोपहर में, तो अभी गर्मी भगाने के लिए भगवान जी ने थोड़ा सा बारिश और हवा भेजा है हम लोगों के लिए। तो अभी देख सकते हैं कैसा बारिश और हवा चल रहा है इधर, मतलब ठंडक दोपहर दोपहर को इतना धूप था, कितना गर्मी था कि पता नहीं लग रहा है, मतलब हम भूल ही गए कि दोपहर को इतना गर्मी था भाई। बहुत सारा ये देख सकते हैं आप, इतना बारिश हो रहा है, इतना हवा चल रहा है कि मस्त है, मौसम बदल गया चुटकी में, मज़ा आ गया। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, जी हाँ सब्सक्राइब बिना के जाना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छे से रहना, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, बाय।